ये था जो एकादश के साथ जो था लगा हुआ है वो प्रकार वचन है, आकार वचन है। माने भक्ति की जो भिन्न भिन्न अंतकरणों में तत्त्व भक्तों की योग्यता के अनुसार जो भक्ति की परिणति है, स्वयं प्रकाश रूपा भक्ति, जो भक्ति को स्वयं प्रकाश रूपा मानते हैं, हो यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु जा सुमान इत्यादि भागवत में जहाँ जहाँ यदृच्छया पद का प्रयोग है वहाँ श्रीधर स्वामी ने केना भी भाग्योदय न ऐसा अर्थ किया है। तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो केना भी भाग्योदय न का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि यदृच्छा स्वैरिता मारे भक्ति भी चिद रूप भगवान से तादात्म्यापन्न होने के कारण चिद रूपाम त्वाम ससर्ज भक्ति चिद रूपा है, इसलिए भक्त के हृदय में स्वयं प्रकाश है। तो जिस भक्त के अंतकरण में जैसी जैसी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार तत्त्व परिणाम को अर्थात आकार को प्राप्त होती है। रूप जो है वो परिणाम नहीं है, रूप जो है वो परिणाम नहीं है, आकार जो है वो परिणाम है, परिमाण है। आकार में परिमाण है, बोला परिमाण हुए बिना आकार नहीं होता। तो तत्त्व परिमाण इतनी भक्ति सख्य परिमाण भक्ति, वात्सल्य परिमाण भक्ति, दास्य परिमाण भक्ति सबके हृदय में उदय होती है। तो देखो ये सब बात आपको सुनाई पहले कि गुण महात्म्य आसक्ति, भूख नहीं, प्यास नहीं, मृत्यु की परवाह नहीं, नैसा विरुद्ध दशत्वलम गायक विष्णु का था, क्या आसक्ति है गुण महात्म्य। रूपा शक्ति का वर्णन जहाँ आता है वो आनंद है। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने, जिसमें आसक्ति होती है उसका कोई नाम लेना तो हृदय का जो सरोवर है उसमें तरंग उठने लगती है, छलक जाता है। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज के एक प्रेमी थे, एक दिन किसी ने उनको बताया कि ये वो साल है जिसको बाबा उठा करते थे, हाथ में दोनों लेके सिर से लगाया गदगद हो गए, इतने दिनों के बाद आज बाबा की साल देखने को मिली, छूने को मिली, मग्न हो गए। ये आसक्ति का स्वभाव है कि जिससे आसक्ति होगी उसका नाम लेने पर, उसके संबंध वाली वस्तु मिलने पर, उसका स्मरण होने पर हृदय आनंद से भर जाता है। गोपी नाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने, और जब दर्शन नहीं हो तब क्षण युग शतमिव यासाम येन बिना भवत, ये न गोविंद दर्शने न बिना यासाम गोपीनाम क्षणम अपि युग शतमिव अभवत। जब गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता था उस समय गोपियों के लिए एक क्षण सौ सौ युग के समान व्यतीत होता था। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, तो इसी तरह जिसको गुण महात्म्य में आसक्ति होती है उसको श्रवण करने को मिले तो आंख में आंसू है, शरीर में रोमांच है, कंठ में दर्द है, हृदय द्रवित है, सदाकार है, और न मिले तो जैसे भूखे हो, जैसे प्यासे हो, जैसे व्याकुल हो, रूप देखने को मिले क्या आनंद है, परमानंद है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो गलगित भ्रुधरा अर्पित रेणु कोमलांगुली राष्ट्रित मार्गम गुप्त ही रहती यत्र मुकुंदा। पूजा शक्ति, बोले महाराज पूजा करते जगत को भूल गए। अम्बरीश जी ने भगवत पूजा में अपने समग्र राजा का जो कर्तव्य था ना उसका विस्मरण कर दिया, विस्मार सब विस्मृति हो गई, बस केवल पूजा ही पूजा याद है। उद्धव जी महाराज बाल लीला में पूजा करते थे, तन्नई छत जह पंचहाय नो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद् रचयन् यस्य सपर्याम बाल लीलया। उद्धव जी बाल लीला में जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गुड़ी गुड़ुआ ठाकुर जी की मूर्ति रख ली, पूजा कर रहे हैं आनंद में मगन, माता आकर के बोलती है कि बेटा चलो कलेव कर लो, तन्नैच्छद् मैया मैं अभी ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूँ। 5 बरस का बालक खाना पसंद नहीं करता है, पूजा में आनंद आता है, स्मरण में लगे हुए हैं। देखो ना,
प्रहलाद का वर्णन आया है, जिस समय भगवान के स्मरण में वो मग्न हो जाते थे, ऐसे मगन होते थे कि उनको गोविंद परिरंभिता आंखों से आंसू की धारा बह रही है, शरीर में रोमांच हो रहा है, व्याकुल हो रहे हैं, उनको मैं सोया हूँ कि बैठा हूँ कि जागता हूँ कि चल रहा हूँ, इन सब बातों का अनुसंधान ही नहीं होता। उनको ये स्मृति बस गोविंद परिदंभिता, श्याम सुंदर ने, मुरली मनोहर ने, गीता अंबरधारी ने दोनों हाथों से पकड़ के हमको हृदय से लगाए रखा है, सेवा में लगे हैं महाराज। ऐसा आनंद, जो आनंद सेवा में, सेवा के आनंद में एक विलक्षण बात है, उसमें जब अपने को आनंद लेने का समय आवे तब सावधान हो जाना चाहिए। सेवा होती है सेव्य के आनंद के लिए, स्वामी को आनंद देने के लिए सेवा होती है, और जब मजा खुद लेने लग जाएंगे तो अहम की सेवा होने लग जाएगी और स्वामी जो है वो अपने सुख का साधन बन जाएगा अपने लिए। सेवा दास्य, दास्य किसके लिए? भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने इसका उल्लेख किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और दारुक पंखा चल रहा था, ऐसा आनंद आया उसको, मेरे समान भाग्यशाली को ये कर्मज आनंद हो गया, कर्म का संबंध जुड़ गया हो, मेरे समान भाग्यशाली को, मैं प्रभु को पंखा चल रहा हूँ, छलका, आंख में आंसू आए, हाथ कांप गया, तुरंत सावधान, अरे ये क्या हुआ राधेश, ये क्या हुआ? प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंद, उसने कहा हटो भागो, हम अपने आनंद के लिए पंखा नहीं चल रहे हैं, पंखा ही अगर हाथ से छूट के गिर पड़ा अपने आनंद में, हम इतने तन्मय हो गए कि पंखा ही छूट के गिर गया। नारायण नारायण, ये तो महाराज सेवा में जब ये सूझता है कि हम कितनी सेवा कर सकते थे, उसमें कितनी त्रुटि रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, जब अपनी सेवा में त्रुटि दिखती है तब मनुष्य आगे बढ़ता है, और जब ये दिखता है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, जब वो स्वामी के सिर पर अपनी सेवा का एहसान लादने लगता है ना, तब वो सेवा धर्म से वंचित हो जाता है, क्योंकि विषय भोग से जो सुख मिलता है वो अभिमान सुख होता है, हमने ऐसा विषय भोग किया, धन संग्रह से जो सुख होता है हमारे पास इतना इकट्ठा हो गया वो अभिमान सुख होता है, बोले कर्म से जो सुख हमने इतना काम किया उससे जो सुख होता है वो अभिमान सुख होता है, अब हमने ऐसा ध्यान किया, ऐसा अभ्यास बनाया, ये सब सुखों का संबंध मैं के साथ जा करके जुड़ जाता है, और जहाँ सुख का संबंध मैं के साथ जुड़ा वहाँ कर्ता बने, वहाँ भोक्ता बने, और वहाँ प्रेम नहीं हुआ, वहाँ काम हो गया। जब अपना किया हुआ अर्थ संग्रह, जब अपना किया हुआ भोग, किया हुआ कर्म, जब अपना किया हुआ अभ्यास, जब अपना किया हुआ ध्यान अपने प्रियतम के सुख का साधन होवे, वो सुखी होवे, अपने प्रभु सुखी होवे, तब वो सेवा बनती है, दासिया शक्ति। भागवत में बड़े बड़े दास हैं, हो श्री गिरिराज जी भगवान के दास, दास शब्द का प्रयोग है श्रीमद् भागवत में, हंता यमत्रि बबला हरिदास वर्गो यद राम कृष्ण चरण परत प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोत्तयोर यत् पानीय सुयवत कंदर कंद मूलई। गिरिराज जी भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ हैं, क्यों? वो भगवान की गायें जो चरती है ना, उनके खुर की चोट सहते हैं और उनके लिए खास देते हैं, हरी हरी खास देते हैं पीने के लिए, सह गो गणयो, राम के को कृष्ण को तो देते ही हैं, गायों को भी देते हैं। बोले अरे भाई, जिन गायों को प्रभु चराते हैं, जिनको चराने के लिए वो वन में आते हैं, जिनको हरी खास खिलाने के लिए प्रभु नंगे पांव हमारे ऊपर आते हैं और हमें उनके चरणों के स्पर्श का आनंद मिलता है, ये तो भगवान का प्रिय कौन का एक गऊ है जिनके पीछे आते हैं, बोले इनको खिलाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रिय गायों को अपनी घास देकर, पानी देकर, भगवान के लिए रंगने को धातु प्रकट करके, और गायों को रंगने के लिए पानी की धारा, वृक्षों में पत्र पुष्प फल,
धातुए गैरिकादि धातुए रत्न सब प्रकट करके विश्वक्रांता आदि उनके लिए अर्घ्य की सामग्री, वाद्य की सामग्री, आचमनीय की सामग्री, चंदन की सामग्री, वहाँ गोरोचना प्रकट करके, कस्तूरी प्रकट करके, भगवान के चंदन की सामग्री हरिदास बन गया है। उद्धव जी के लिए आया है हरिदासो बनऊ कथा, भगवान के लिए उद्धव जी ब्रज में आए ना, तो वो भगवान की सेवा करने के लिए आए। ये भगवान को छोड़ दिया मथुरा में और स्वयं आए ब्रज में, और काहे के लिए आए, बोले भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान को उनकी चिंता हो रही थी ना, गोपियों की चिंता हो रही थी। बोले अच्छा, भगवान को चिंता हो रही है, वे नहीं जा सकते तो हम ब्रज में जाएंगे, उनकी चिंता थोड़ी मिटाए आवेंगे। हरिदास हो ये दास है, बोला युधिष्ठिर जी हरिदास राजर्ष है, युधिष्ठिर जी हरिदास है, बोला क्यों हरिदास है, कल जो यज्ञ करते हैं वो अपनी कीर्ति के विस्तार के लिए नहीं, भगवत कीर्ति के विस्तार के लिए, भगवत पूजा के लिए, जिसमें अग्र पूजा भगवान की करेंगे, विश्व में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, ये बात हम अपने यज्ञ में सिद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण से बढ़ के सृष्टि में और कोई नहीं है। यज्ञ इसलिए किया, इसलिए नहीं कि हमारे राजसूय यज्ञ होगा, हमारे राजसूय यज्ञ होगा तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हम दिग्विजयी होंगे, इसलिए नहीं। हमारे यज्ञ में सब देवता आवेंगे, सब राजा आवेंगे, सब पत्नी पौती वसुंधरा के बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा आवेंगे, और उसमें जब ये प्रश्न उठेगा कि सबसे पहले पूजा किसकी, सबसे पहले पूजा कृष्ण की। ये दास का काम है, दास का काम है अपने स्वामी की कीर्ति बढ़ाना, दास का काम है उसकी चिंता मिटाना, दास का काम है जिससे वो प्रेम करे उसको भी सुख पहुँचाना, गायों को भी सुख पहुंचाना, ये दास का काम है। दासिया शक्ति, ये दासिया शक्ति है, सख्या शक्ति, सख्या शक्ति भगवान का सखा होना। बलराम जी हैं, श्री दामा है, सुगल है, तो वैसे जीव कुछ जाते तो हैं भगवान की सेवा करने के लिए, जब उनके चरणों में सिर रखते हैं तब वो उठा के हृदय से लगा देते हैं, आसक्ति तो सब में, उसके बिना रहा न जाए। देखो ना भगवान श्री कृष्ण उबाह कृष्णो भगवान श्री रामानंद पराजित, सखाकार दिए नहीं कि उसके सामने हमेशा बड़प्पन प्रकट किया जाए, कभी उससे छोटे भी बन गए। कृष्ण हार गए, श्री रामा जीत गया, बोले आओ भाई कंधे पर बैठो। अब ये नहीं कहा कि हम त्रिलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर मैं, तुम भला मेरे कंधे पर बैठने लायक हो, तो बोले नहीं भाई, तो हम तुम सखा है, सखा मैं तुम्हारे कंधे पर बहुत बार बैठा हूँ, तुम मेरे कंधे पर बैठो, इसका नाम सख्य है। देखो श्री सुदामा, सुदामा ब्राह्मण गए हो, वहाँ भगवान का ऐसा रूप आता है, देख के आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। दुनिया में यही सुनने को मिलता है कि भक्त लोग भगवान के लिए रोते हैं, भगवान तो नित्य सदा प्रसन्न भगवान रहते हैं, और भगत लोग जो है रोवा गाई करना ही भक्तों का ही धर्म है, और भगवान होंगे ऐसे, हमारे भगवान तो ऐसे हैं भाई। भागवत में कई प्रसंग है श्री कृष्ण का भक्तों के लिए रोने का। सूर्य ग्रहण के प्रसंग में जब नंद जसोदा मिले हैं ना, तो उनकी गोद में सिर रख करके जार बेजार भगवान रोते हैं, वो उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और जिस समय सुदामा मिले हैं, प्रीतो व्यमुंचत अब बिंदु, प्रीतो व्यमुंचत अब बिंदु, कपाटक आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और नारायण कहो वो नरोत्तम कवि का जो है ना, वो तो पानी परात कहो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। देखो ना, आंसू से पांव धोया सुदामा का, पानी परात कहो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। और सुदामा जी को सुलाया कहा, निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंक, जिस पर प्रिया जी शयन करती थी उस पर्यंक पर, माने अपनी पत्नी के साथ जिस पलंग पर श्याम सुंदर शयन करते थे उसी पलंग पर सुदामा जी को सुलाया, अपने साथ हो उनको हृदय से लगाया। तो रुक्मिणी जी उनको पंखा झलती थी, श्री कृष्ण उनको हृदय से लगाए करके शयन करते थे। बोला ये गरीब वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरी स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता।
सखा मानते हैं। कांता शक्ति, एक भगवान को सखा मानने वाले और एक भगवान जिनको अपना सखा माने, कांता शक्ति भी अद्भुत है। एक तो कुबजा की कांता शक्ति है बोला, वो भी कांता शक्ति है, वो काम प्रधान कांता शक्ति है बोला। और एक जो द्वारका में 16,108 कटरानियां हैं, उनकी भी कांता शक्ति है, उनकी धर्म प्रधान कांता शक्ति है बोला। और ब्रज में जो गोपियां हैं ना, गोपियां, उनकी प्रेम प्रधान कांता शक्ति है। और श्री राधा रानी जो है, उनको भगवान श्याम सुंदर से अलग करके मत देखो, वो स्वरूप शक्ति नहीं है, स्वरूप है। जो राधा है सो कृष्ण है, जो कृष्ण है सो राधा है। प्यास ही का रूप मानो, प्यारी दुख रूप है। श्याम सुंदर पानी है तो प्रिया जी प्यास है बोला, और श्याम सुंदर प्यास है तो प्रिया जी पानी है। ये संस्कृत में पानी शब्द जो है ना, ये पानी है, वो पानी है उत्तम जल के लिए है, जो पीने योग्य जल हो उसको पानी बोलता है। पानीयम पातुम योग्यम, ये पानी है। और स्नानीयम अलग है, स्नान करने योग्य जो है वो अलग है बोला। और आचमनीयम जो है आचमनीयम स्नानीयम पानीयम, तो ये है। ये तो कांता शक्ति तो वो है जहाँ अपने को कोटि कोटि कष्ट दे करके भी अपने प्रियतम को लेश मात्र सुखाभास पहुँचाने की कामना है। अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक हम तो कष्ट कष्ट ही सहे, कष्ट ही कष्ट सहे, और उनको बोले सुख मिले का सुख नहीं, सुखाभास भी मिले और क्षण भर के लिए भी मिले। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है, अद्भुत है। प्रेम की लीला कांता शक्ति, वात्सल्यासक्ति, आसक्ति सब में है, माने उसके मिलने पर परमानंद और न मिलने पर बड़ा भारी दुख कष्ट। वात्सल्यासक्ति तो उसमें समझो कि कुब्जा की कांता शक्ति, उससे भी पहले एक है जो भीलिने है ना, भीलिने पूर्णा पुलंद्य पुलिंद्य पुरुगाय पदाब्ज राग श्री कुं दैतास्तन मंडितेन सिंचन्ति आनन कुजे कुजेसु जहुस्तदादि। उनको श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त नहीं हुआ, अंगराग संग केवल प्राप्त हुआ, अंगराग संग। और कुब्जा को अंग संग तो प्राप्त हुआ, परंतु काम प्रधान होने से सुखदेव जी ने उसकी निंदा कर दी हो। और जो धर्म प्रधान पत्नियां हैं वो कहती हैं कि जैसे लक्ष्मी सेवा करती हैं श्याम सुंदर की, वैसे हम करना चाहती हैं। कामयाम एतस्य श्रीमत् सागरज श्रेया कुच कुमकुम गंधाभ्यम मूर्धना बोधो गदाभृता, वैसे कहा। और गोपियां जो हैं, गोपियां न काम प्रधान है न धर्म प्रधान है, वो तो महाराज केवल गोपी प्रेम की भुजा, वो प्रेम का झंडा लिए निकली है। प्रेम का झंडा ऊंचा किया गोपियों ने, अर्थ छोड़ करके, धर्म छोड़ करके, काम छोड़ करके, मोक्ष छोड़ करके, मोक्ष के जो साधन है उनको छोड़ करके, अपने देह को छोड़ करके, श्रृंगार को छोड़ करके, आत्मदृष्टि को छोड़ करके, उन्होंने केवल कृष्ण से प्रेम किया। और राधा रानी आत्मा शक्ति और वात्सल्य शक्ति, जसोदा की नंद की, ये सब बात चल जाती है। उसमें भी देवकी वसुदेव की बात चल जा सकती जुदा है, और रोहिणी जी की जुदा है। और ब्रज में और मथुरा में जो माता के समान स्त्रियां हैं ना, उनकी जुदा है बोला। गायों की भी बात चल जा सकती है कृष्ण के प्रति, गायों की बात चल जा सकती है। वो चाहती है कि हमारे थन का दूध कृष्ण पिए, तो आके मुंह लगा के उनके थन में दूध पीते हैं, उनके बछड़े बनते हैं। गायों के मन में भी कृष्ण के प्रति बात चल जा सकती है। ब्रज में भी ऐसी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं जिनकी बात चल जा सकती है। मथुरा में है जो कृष्ण का दोष नहीं देखती है, जिठौना लगाती है किसी की नजर न लग जाए हमारे लाला को, ये नन्हा मुन्ना, ये परम कोमल परम सुकुमार, आंचल के नीचे ठक करके और अपना दूध पिलाती है, वो श्याम सुंदर को दूध पिलाती है। उसमें महाराज देवकी और वसुदेव को नारायण रूप का दर्शन हो चुका है, वो जो प्रकट हुए ना। तो कभी वात्सल्य आता है तो कभी ब्रह्म भाव भी आता है,
जुवाम माम ब्रह्म भावेनो, जुवाम माम पुत्र भावेनो, ब्रह्म भावेन चाप्रकृ चिंतयंत कृतस्थ नेहौ, ब्रह्म भावेन चिंतयंत पुत्र भावेन कृतस्थ नेहौ। मिश्र कृति हो गई, वात्सल्य रति देवकी वसुदेव की मिश्र है, इसलिए कृत संबंधन पुत्र सत्व जाते न शंकया। देवकी वसुदेव के चरणों में जाके कृष्ण ने सिर डाला तो उठाया नहीं, उन्होंने डर लग गया कि कैसे उठाना। और ये महाराज नंद जसोदा जो है ना, इनकी ऐश्वर्य भाव से मिश्र नहीं, शुद्ध वात्सल्य है। तो वो धरा और वसु जो है वो तो समझो कि साधन सिद्ध है, और वो नित्य जो जसोदा नंद है उनके साथ एक आत्म को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उनके साधन मैंने कृपा सिद्ध जो है वो महापुरुष की कृपा से उनको सिद्धि मिली है, और ये नंद जसोदा जो है ये तो नित्य सिद्ध है। इस तरह से समझे तो बात चल जा सकती, आत्मनिवेदन आ सकती, सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना कुछ रहा ही नहीं, तन्मय आ सकती, परम विरह आ सकती। ये भक्ति के अनेक जो है वो आकार हैं, अनेक आकार हैं, और भगवान के साथ जुड़ने के कारण सब के सब अनंत है। तो भक्ति के ये अनेकों आकार प्रकार हैं, ऐसा बोलते हैं महाराज, एक मत से मतभेद नहीं है इसमें। जन जल पे निर्भया, लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं, जन जल पे निर्भया, क्योंकि बाबा सबके मुंह अपना अपना है और सबके जीभ अपनी अपनी है, सबकी बुद्धि अपनी अपनी है। बोले दूसरे की सुनते हो, कहाँ सुनते तो हैं, बिना सुने कैसे काम चलेगा महाराज। बोले लेकिन जहाँ तुम्हारा स्वार्थ होता है वहाँ अपने मन से करते हो कि पड़ोसी के कहने से करते हो। जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत रुपया है, राम राम इसने तो इकट्ठा कर लिया है महाराज, जब छुपता है तो तुम निकाल के फेंकने लगते हो, तो बोले नहीं, जब कोई तुम्हारे रुपये पर उंगली उठाता है तब तो निकाल के नहीं फेंकते हो, और तुम्हारे प्रेम पर कोई उंगली उठावे तो उसको छोड़ दे क्या हो। इसका मतलब है कमजोर है, बोला कमजोर है। तुम्हारी बहू बेटी को कुछ कहे, कोई पड़ोसी कुछ कहे तो उसको घर में से निकालते हो, तो नहीं निकालते है? तो तुम्हारी प्रीति को भक्ति को कोई कुछ कहे तो उसको क्या अपने हृदय में से निकाल के फेंक दोगे। नारायण कहो तो जो भक्त होता है वो इस सेवम बदंती जन जल्प निर्भया। भक्त लोग जो होते हैं वो लोगों की बकवाद की कोई परवाह नहीं करते, तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। एक राय सबकी, कुमार मन सनत कुमार आदि, व्यास सुक सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणी बली हनुमान विभीषण आदि भक्ति के आचार सब एक राय के संबंध में। ये दुनियादार जो है अर्थ परायण काम परायण कर्म परायण, इनकी मत सुनो, भगवान की भक्ति करो। ज एवं नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वतिथि, ये नारद महाराज भगवान नारायण के नाती हैं। नारद जी बोला होता नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के नारद, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये नारायण के और हमारे बीच में जो ब्रह्मा पड़ गए ये कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, हम सीधे नारायण के बेटा क्यों नहीं हुए, ये पछतावा नारद जी को हुआ, ये बीच में ब्रह्मा कहाँ से आ गए। तो बोले कि अब कोई उपाय करनी चाहिए, तो महाराज चले गए नर नारायण भगवान जहाँ तपस्या करते थे ना, जाके उनसे गुरु दीक्षा ले ली। बोले कि हम बेटा तो है ब्रह्मा के लेकिन शिष्य है नारायण के, बोला नारायण के शिष्य हो गए। ये भक्ति जो है ये शिवानुशासन है, बोला मांगलिक कल्याणकारी अनुशासन है, और भक्तों में वैष्णवानाम यथा संभू, विष्णु भक्तों में सर्वोपरि भगवान शंकर का स्थान है। जिस पर जो विश्वास करता है श्रद्धा करता है उसको अपने परम प्रियतम भगवान की प्राप्ति होती है। जब संसार की आसक्ति कम हो गए और भगवान में आसक्ति हो गए तब समझना कि अब भक्ति का प्रभाव अपने चित्त पर पड़ रहा है। जब धन में आसक्ति कम हो गए, संसार के संबंधियों में रिश्तेदारों में आसक्ति कम हो गए, संसार के काम धंधों में बखोड़ बखेड़ों में आसक्ति कम हो गए, भगवान से आसक्ति बढ़े, उनके नाम के बिना न रहा जाए, पूजा के बिना न रहा जाए, स्मरण के बिना न रहा जाए, और नाम मिले पूजा मिले स्मरण मिले तो परम आनंद आवे, उसको प्रियतम की प्राप्ति होती है। अब समझो कोई सवा दो महीने, सवा महीना करीब यहाँ हो गया और एक महीना वीर हो गया, ये नारद भक्त सूत्र की बात आप लोगों को सुनाई, बात को बहुत फिक्र करो, अब इसको आज पूरे किए देते हैं, क्योंकि कल